हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पहुंच गए हम बहराइच। मेरी बुलेट खड़ी हुई है भैया की, तो लास्ट टाइम बुलेट मैंने नहीं चलाई थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं बुलेट लेके चलने वाला हूं और मैं सीखूंगा कि कैसे चलाते हैं बुलेट को। वैसे मुझे लगता है कि हाँ, इसमें लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ब्रेक और गियर का, वो हो जाएगा। अरे तुम मत बैठना ना, तरुष नाराज़ हो गए क्योंकि तरुष को मैंने क्या बोला ना कि जब तुम गाँव आए हो तो तरुष गाँव आने के बाद मोबाइल में क्यों खेल रहे हो। जैसे तुम क्या कर रही हो? दिखाओ। यहाँ पर इतनी जगह मिल गई इन लोगों को ना, ये लोग पागल होंगे, क्या करें क्या ना करें। और हमारा ब्लॉग रेंडर हो रहा है, अभी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा मैं। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। सो गाइस, इधर धूप बहुत है तो मैं पहले स्कूटी पे बैठ जाता हूँ। चलिए, फाइनली हमारी तैयारी हो चुकी है बाजार जाने की। मंजू, कितना टाइम जाएगा? भैया लोग बुलेट से जा रहे हैं, मैं स्कूटर से जा रहा हूँ। मैं तो वैसे ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है भराइच की मार्केट की, तो मैं थोड़ा सामान लेने के लिए आ गई हूँ। सब्जी और फल फ्रूट भी देख लेंगे। तो आ गए हम शंकर बेकरी, यहाँ से हम कुछ लेने वाले हैं बेकरी का सामान, बिस्किट्स, नमकीन और बहुत सारा आइटम्स। तो काफ़ी सारे हैं, हम देखते हैं क्या क्या लेते हैं। एक दो चीज़ें दीदी ने बोली हैं वो तो ले ही लेते हैं। भैया मट्ठी होंगी, बिस्किट की काफ़ी वैरायटी है। ठीक है, ये वाले बिस्किट जरा टेस्ट करा दीजिए। मीठे में सब क्रिस्पी में भी है, हाँ क्रिस्पी है वो, सब कुरकुरा भी है। ये हो गया, ये हो गया। इतनी सारी बिस्किट की वैरायटीज हैं कि मंजू कंफ्यूज हो रही है क्या लूँ और क्या ना लूँ। और एक ले लो भुजिया, अभी हम ले देंगे। भैया ये हमने एक भाई साहब को टी शर्ट दी, हमने सोचा था हमारे पास चार टिक्की में रखी होंगी, लेकिन एक ही था इत्तेफाक से, तो बाकी के चार मुझे बाद में भेजना पड़ेगा। कल कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो हमने कुछ सोचा कि कुछ उनके लिए स्नैक्स वगैरह हम यहाँ से ले लें। तो एक्चुअली सारी चीज़ें जितनी भी शॉपिंग होती है या बेकरी संबंधित जितनी भी चीज़ें होती ना, हम सारा बेकरी जो है शंकर बेकरी से लेते हैं। हेलो गाइस, आज मैंने तीन किटकैट ली है। गाड़ी से सामान नहीं गायब होगा? चार बजा ला जाए? नहीं भैया, नहीं जाएगा। कभी लस्सी पीने का प्लान बन रहा है, कभी गोलगप्पे खाने का प्लान बन रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है किस चीज़ का प्लान है मंजू का। और जैसू नीचे देख नहीं रही है, कचरे में पानी रख रही है। भैया मीठा मत डालिएगा। हो गया मेरा? हो गया भैया, बच्चे को बिना पानी के दे दो एक मीठी। बताते से बेहतर ना कुल्फी खानी चाहिए थी, है ना? हाँ, ज़्यादा अच्छी है। आज करीब 10 महीने के बाद हम लोग आए हैं कामता चाट भंडार पे चाट खाने के लिए, एक लस्सी पीने के लिए। पूरे बहराइच की खाक छान रहे हैं हम लोग। तरुष मजे कर रहा है अपने बड़े पापा के साथ, तो इसके लिए वो हमारे साथ आया नहीं है। मैं, गोस्वामी जी और जयश्री, हम तीनों हैं। हमारा आज का वीडियो है लस्सी की खोज। फाइनल हम लोग यादव मिष्ठान भंडार पर आ गए लस्सी खोज में। दुकान तो ठीक ठाक लग रही है, आई होप टेस्ट भी वैसा ही हो। पता है यादव लस्सी के नाम से गिफ्ट पैक भी है यहाँ पर, और बाकी स्वीट्स भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। लस्सी में कौन कौन सा फ्लेवर है? मिक्स करके बनाते, एक ही फ्लेवर है ना? तो हम आए हैं बहराइच यादव मिष्ठान भंडार पे, तो मेरे बड़े भैया ने बोला कि यादव मिष्ठान भंडार पे जाइए और वहाँ की लस्सी पीजिए। तो हमने सोचा एक बार ट्राई करते हैं और कि इनकी लस्सी कैसी है और इसका टेस्ट कैसा है। क्या जेशु, क्या चाहिए बेटा? मेरे को चाय चाहिए। चाय नहीं, पहले एक टेस्ट तो करो। मैं टेस्ट करके देख। लाजवाब, बढ़िया है।
चलो फाइनली मंजू को टेस्ट अच्छा लगा, इनको जल्दी से कोई टेस्ट अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये टेस्ट उनको अच्छा लगा तो मेहनत सफल हो गई हमारी कि हमको एक अच्छी लस्सी पीने को मिली। हमको लस्सी मिली है मिट्टी के बर्तन में, अच्छा नहीं है, फिर क्रीम है, बट क्रीम है ही नहीं। ऐसु थोड़ा सा अपसेट हो गई है कि उसे पसंद नहीं आया, थोड़ा सा दुखी हो गई वो। इसको ये तो अंदर से ये है बहुत गमी है, डेरी मिल्क को खा सकती हूँ। अभी आपने चॉकलेट लिया है, यहाँ पे आप डेरी मिल्क ले रहे हो, क्यों डबल डबल ले रही हो? मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू के साथ में लस्सी और उसमें बहुत ज़्यादा मलाई, एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही टेस्ट। तो टेस्ट करके पता कैसे चलेगा कौन सी लेनी है भैया, ज्यादा है। एक टुकड़ा थोड़ा सा बाइट दे दो बस। चलिए फाइनल मिठाई ले लिए घर के लिए और लस्सी पी थी, लस्सी काफी अच्छी लगी। लोग आज पर हम यहीं पर खत्म करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियोस पसंद आती है तो लाइक तो बनता ही है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।